म्यूचुअल फंड निवेश बाजार के खतरों के अधीन है, कृपया निवेश से पहले स्कीम से संबंधित सभी दस्तावेजों को ध्यानपूर्वक पढ़ें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी को दबाएं लेटेस्ट न्यूज सबसे पहले देखने के लिए। मैंने अभी अभी बाहर पढ़ा कि यहाँ सैंडविचेस मिलती है, मैं जिंदगी में पहली बार किसी विच को देखूंगा। सुपर्णी, ऐसा गलती से लिख गया है, यहाँ सिर्फ सैंडविच ही मिलते हैं। तुम सचमुच बहुत ही मजा किया हो सुपंडी। हर कोई यही कहता है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि मैं इतना मजा किया हूँ। लेकिन सुपंडी, ऐसा है। खैर छोड़ो, जिस बारे में हम बात कर रहे थे उसे जारी रखते हैं। शुरू करें तो मैं कहाँ था? मैं अब अच्छी तरह से इक्विटी, डेट और शेयर मार्केट के बारे में जान गया हूँ, लेकिन मैं अभी तक ये नहीं समझ पाया कि शेयर मार्केट में इन्वेस्ट कैसे करते हैं। और ये मार्केट है कहाँ? क्या ऑटो वाले वहाँ का रास्ता जानते हैं? अरे सुपंडी, ये कोई सब्जी मार्केट जैसा मार्केट नहीं है। शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करने के कई रास्ते होते हैं, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। अगर डायरेक्ट इन्वेस्ट करना हो तो तुम्हें शेयर ट्रेडिंग से जुड़ी पूरी जानकारी होनी चाहिए, जिसके लिए तुम्हें इस पर पूरा फोकस करना होगा। लेकिन मिस्टर बिजली, मुझे खुद के फायदे नुकसान की भी समझ नहीं है। ये भी नहीं पता होता कि सामान खरीदने के बाद कितने बचे हुए पैसे वापस लेने हैं। कोई बात नहीं सुपंडी, तुम्हारे जैसे कई लोग हैं जिन्हें शेयर मार्केट और स्टॉक ट्रेडिंग के बारे में कुछ भी पता नहीं होता, जिससे वो लोग अपने आप इन्वेस्ट कर सके और इसीलिए म्यूचुअल फंड की स्कीम लाई गई है। लेकिन प्रोफेसर, पता है टीवी पर एक आदमी हमेशा म्यूचुअल फंड, सब्जेक्ट्स और मार्केट्स के बारे में बात करता है। क्या ये स्कूल के सब्जेक्ट जैसा है? मैं पढ़ाई में बहुत ही कमजोर था। चिंता मत करो सुपंडी, वो टीवी वाला आदमी ये कहना चाहता है कि कोई भी इन्वेस्टमेंट हो उसमें रिस्क तो होता ही है। वैसे लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट में रिस्क की संभावना काफी कम होती है, क्योंकि ये लंबी अवधि के लिए किए गए इन्वेस्टमेंट पर फैल जाएगा, और क्योंकि उसे महंगाई के मुताबिक डिजाइन किया जाता है, म्यूचुअल फंड तुम्हें अपने फाइनेंशियल गोल को पूरा करने में मददगार साबित होता है। वाह, ये तो कमाल है। अब बस एक सवाल और। बेशक पूछो सुपंडी। म्यूचुअल फंड असल में क्या होते हैं? हमें माफ करना सुपंडी, हम एक पल के लिए भी खुद को रोक नहीं पाए। तो सुपंडी यूं समझ लो कि म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट का व्यावसायिक पोर्टफोलियो है। ये वास्तव में अलग अलग कंपनियों के स्टॉक का संग्रह होता है, जिसे तमाम इन्वेस्टर्स के द्वारा खरीदा गया है और जिन्होंने एक साथ इसमें अपने पैसे लगाए हैं। सर आराम से समझाइए प्रोफेसर। पोर्टफोलियो, कई इन्वेस्टर एक साथ पैसे लगाना, इतने सारे लोग एक साथ कैसे लगाएंगे पैसे? चलो तुम्हें एक नए तरीके से समझाता हूँ। तुम्हें बाहर खाना पसंद है ना? जी हमेशा। मान लो तुम्हें दो विकल्प दिए जाए, जिसमें या तो तुम खुद के लिए खाना बनाओ या फिर रेस्टोरेंट में बना खाना खाओ, तो क्या करना चाहोगे? वैसे कौन सा रेस्टोरेंट है ये उस पर निर्भर होगा, लेकिन खुद के लिए खाना बनाना मेरे लिए झंझट का काम है। सुपंडी, अशोक तुम्हें ये समझा रहा था कि खुद इन्वेस्ट करने और म्यूचुअल फंड के माध्यम से इन्वेस्ट करने में क्या अंतर है। बिल्कुल सही। जब तुम खुद के लिए खाना बनाते हो तब क्या खाते हो इस बात पर पूरा ध्यान देते हो, साथ ही खाना कैसे बनता है इसकी भी जानकारी होनी चाहिए, और तुम्हें अकेले ही सारा काम करना पड़ेगा, और अगर जरा सी भी चूक हुई तो मुसीबत। खुद से इन्वेस्ट करना भी कुछ ऐसा ही होता है। भले ही तुम्हारी इन्वेस्टिंग हैबिट पर तुम्हारा 100% नियंत्रण हो, लेकिन तुम्हें ये न पता हो कि तुम क्या कर रहे हो तो बहुत सा पैसा गंवा दोगे। मैं ऐसा नहीं करना चाहता। वैसे भी हर कोई मुझे यही समझाता रहता है कि कई बार मुझे पता ही नहीं होता कि मैं क्या कर रहा हूँ। हालांकि रेस्टोरेंट की बात की जाए तो तुम्हारी कोई जिम्मेदारी नहीं बनती कि मेनू में क्या है कैसा है, क्योंकि तुम जानते हो कि वहाँ एक अनुभवी शेफ है जिसकी निगरानी में सारा खाना बनाया जाता है। बिल्कुल सही कहा। इस स्थिति में रेस्टोरेंट में खाना ज्यादा सुरक्षित साबित होगा, है ना? म्यूचुअल फंड्स ऐसे ही फाइनेंशियल रेस्टोरेंट्स हैं। उस हिसाब से प्रोफेशनल एक्सपर्ट तुम जैसे इन्वेस्टर्स की पूल्ड राशि के साथ तुम्हारी राशि को संचलित करेंगे, जिसे कई कंपनियों के स्टॉक में इन्वेस्ट किया जाएगा जो सामान्य रूप से तुम्हारी पहुंच से बाहर हो सकता है।
इस तरह रिस्क की संभावना भी कम हो जाएगी, क्योंकि उस रिस्क की जिम्मेदारी बजाय किसी एक इन्वेस्टर के, इन्वेस्टर्स के ग्रुप में बढ़ जाएगी। मैं समझ गया, खुद भागदौड़ करने के बजाय अपनी पूंजी म्यूचुअल फंड मैनेजर को दे दो, जो मेरी मुर्गी भी संभालेगा और सोने के अंडे भी खिलाएगा। सही कहा ना? हाँ, कुछ हद तक। अब तुम इसके बेसिक समझ गए हो। खैर, तुम क्या खाना पसंद करोगी? मुझे बहुत जोरों की भूख लगी है, सोच रहा हूँ इस मेन्यू में लिखा सब कुछ मंगा लूं।